35 साल से तो नहीं, कोई 21 साल से मैं भी जानता हूं, प्रशांत भूषण को धमकाया नहीं जा सकता, लालच नहीं दिया जा सकता। बस एक चीज है जो प्रशांत भूषण को बदल सकती है, वो कि उन्हें सचमुच लगे कि जो उन्होंने कहा था वो गलत था, जो उन्होंने कोर्ट के सामने पिछली बार कहा कि अगर कोई चीज सच है तो उसको वापस ले लेना या कोई झूठी मूठी माफी मांग लेना, ये तो वास्तव में कोर्ट की अवमानना होगी। वाले जहां प्राइवेटली कौन क्या सोचता है कहता है इसका कोई मायने नहीं है, सवाल ये है कि पब्लिक में कौन खड़ा होता है। और मैं सलाम करना चाहता हूं इस देश की लीगल फ्रेटर्निटी को, जिस तरह के लोग खड़े हुए जो किसी आंदोलन में शामिल नहीं होते, जो प्रशांत की राजनीति से भी शायद सहमत कतई नहीं होंगे, उनके विचारों से सहमत नहीं, लेकिन जहां आजादी की बात आई है वो सामने आके खड़े हुए हैं। कई पार्टी के लोग भी आए हैं जो उनसे असहमत हैं, वो लोग भी आए हैं, बस उन्हीं को गिनिए जो पब्लिक में आए हैं, और जो चुप हैं उन्हें भी देश देख रहा है। मुझे हर हफ्ते कोई 10 फोन आते हैं आमतौर पे, प्रशांत भूषण से ये करवा दीजिए, ये मामला करवा दीजिए, कहिए इस पे ना बोलें। मैं हर एक को एक ही बात कहता हूं, भाई एक बात समझ लो, प्रशांत भूषण वकील नहीं है, जज है। उनको किसी केस लेने के लिए राजी करना उतना ही कठिन है जितना कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाना। जब तक प्रशांत भूषण को ये नहीं लगता कि ये बात पूरी तरह सच है, केस नहीं लेते। मैंने अपनी आंख के सामने देखा है उन्हें कहते हुए लोगों को, नहीं आपका मामला नहीं करूंगा, झूठी बात है, मैं नहीं बोलूंगा। या दूसरे क्लाइंट्स को कहते हुए, आप मेरे क्लाइंट होंगे लेकिन इसमें देश का फायदा दूसरी बात में है, मैं तो वही बात कहूंगा, आपको क्लाइंट नहीं बनना, आप वकालतनामा अपना वापस ले लीजिए। कौन कहता है ऐसी बात है? मैंने देखा है कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण को अपने विपक्षी की बात का समर्थन करते हुए, हम खुद उस मुकदमे में थे, भारत सरकार थी, और प्रशांत जी ने कहा कि नहीं जज साहब, इस मामले में जो वो बोल रहे हैं वो बात सच है। इसलिए प्रशांत भूषण की इज्जत है, सच का नाम है प्रशांत भूषण, जिसका कोई नहीं उसका प्रशांत।